निकाली हुई मक्की तो बारिश के चलते खराब हो गई और निकालने वाली मक्की का प्रोग्राम भी हमारा कैंसिल हो गया। तो फिर मोच वाले पैर पे पापा से मालिश और पट्टी करवा के अपना झोला उठाता हूँ और पानी की सप्लाई ठीक करने निकल जाता हूँ। अब पाँव में हल्का हल्का सुधार दिखता तो घर पहुँचते मैं दोबारा से तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि हमें जाना रहता है एक मेला देखने। लेकिन जब मैं पाँव दर्द और लिफ्ट ना मिलने का बहाना लगाता हूँ तो हमें लेने के लिए छोटू भैया आ जाते। लेकिन जाने से पहले पहले ना विशाल के एरिया में भी पानी की सप्लाई बंद थी, तो फिलहाल उसे ठीक करते हैं। फिर पूरी गैंग नहीं, दो लोगों को छोड़ के हम चार लोग गाड़ी में बैठते हैं और तन तना के निकल लेते हैं। गोल्डन नाव का सनसेट एंजॉय करते और गानों पे वाइब करते हैं। हम जाते हैं गोल्डन, जहाँ मेले में आज हमें पहली बार कुश्ती से ज्यादा तो इन लॉटरी वालों के यहाँ ज्यादा भीड़ लगी हुई दिखती और है। हो भी क्यों ना, लॉटरी में एक्टिव और बुलेट जैसी गाड़ियाँ जो थी। यार बावजूद इनके गोलगप्पे कचालू और जलेबी खाते खाते हमें बीच में कुछ कुछ सब्सक्राइबर ऑफलाइन तो कुछ ऑनलाइन भी मिलते हैं। यार वहाँ से निकल के ना हम सीधा विशाल के दीदी के यहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे चाय पानी और खाना खाने के रात को 12 बजे आइसक्रीम की क्रेविंग होने पर हम बाजार निकल आते हैं। चुपके से पसंदीदा आइसक्रीम लपेटने के बाद हम दबे पाँव वापस सोने आ जाते हैं।